डेरा बाबा नानक विखे डीबीएन ब्रिगेड की 1971 की जित की याद च बनाई गई यादगार समारक विखे करवाए गए समागम च शामिल पंजाब दे मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पत्रकारां नाल गलबात करदिआं कहा है कि वह खुद इस सरहदी इलाके दी वासी हन अते इत्थे अज शामिल हो के उन्हां नूं खुद 1971 की जंग वाले दिन याद आ रहे हैं क्योंकि उन्हें खुद यह जंग हंडाई है अते किवें इन्हां फौजी जवानों के सदका अज असीं सुख मान रहे हां। अते मंत्री रंधावा ने कहा है कि यह देश की जित दे 50 साल हन अते हर देशवासी माण वाली गल है। इस दे नाल ही मंत्री रंधावा ने पंजाब च कोरोना महामारी का कहर वधन ते आख्या है कि अज पंजाब दे हालात विगड़ रहे हैं अते एक खुद नूं बचाव करन दी लोड़ है अते उन्हां कहा है कि वह खुद प्रशासन अधिकारियों नूं इस बाबत सख्ती करन दे आदेश जारी कर रहे हैं अते उन्हां कहा है कि राजनीतिक पार्टियां नूं भी चाहीदा है कि वड्डियां रैलियां भी ना करन जिस नाल लोकां दी जान नूं खतरे च पाउण तों रोकिया जा सके। उत्थे ही बिक्रमजीत सिंह मजीठिया वल्लों मंत्री रंधावा दे लाए जेल च बंद गैंगस्टर दे आरोप ते मंत्री सुख सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि मजीठिया इन्हां गैंगस्टरों के नाम लै रहा है अते ओ उसदे वर्कर सन अते उसदे काम करते हैं अते हुण उन्हां वल्लों सब ओ गैंगस्टर्स नूं जेल विच बंद करके नत्थ पाई गई है अते ओ कोई काला धंधा ना कर सकन। इसलिए बिक्रमजीत मजीठिया अपने मित्र गैंगस्टर का पक्ष लैण लई मेरे खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। अज जो इत्थे देख के पुरानी ज्यादा ताजा हुई ने किवें जिहड़ा इत्थे पुल सीगा उहनूं डबल पुल सीगा उपर दी ट्रेन और जिहड़ी रोड सी दोनों चलदियां सीगियां और इन्हें जबरदस्ती और बड़ी लड़ाई जी जबरदस्त उत्थे लड़ाई हुई तीन दिन लड़ाई हुई और अल्टीमेटली साड़िया फौजा ने उन्हों का पुल जोड़ा कब्जे से लैके उन्होंने तहस नहस कर दिता। उस वे जी शहादत हुई उस वे जे जवान उस वे जो कर्नल से इतों के कमांडेंट से जो ब्रिगेडियर से ब्रिगेड कमांडर इतों के डी एस अलावत उन्होंने अपने नाम ही लिया उन्होंने जो कुर्बानियां दित्तियां जां उन्होंने जो जिस तरीके ने लड़ाई लड़ी तो अज उन्हां दी बदौलत असीं इस धरती उत्ते बैठे और मैनों हुण जिहड़े जवान विचों कई जिन्हां ने इत्थे सिमटबंदी वार च इत्थे भी सीगे और जिहड़ा नैशनल फ्लैग अज भी उत्थे पिया वह भी डेरा बाबा नानक दे विचों दुकान खोल के तो उस वेले उहनूं कीता उत्थे जाके लहराया और जिहड़ी जदों इन्हां थावां ते आईदा प्रोग्राम जिहड़े सानूं सारिआं नूं उदों सिर्फ यही नहीं कि जंगी शहीद या उन्हां दे जिहड़े परिवार ने उन्हां लई अज दा दिन जो गोल्डन जुबली है उहदे च सारे हिंदुस्तानियों का दिन है क्योंकि उस दिन पाकिस्तान के दो टुकड़े करके एक बंगलादेश एक पाकिस्तान जिहड़ा साडी सरकार ने उस वेले दी इंदिरा गांधी ने उन्हों कीता और जनरल अरोड़े दी पैरां दे विच जिहड़ी दुनिया की सब तो वड्डी हिस्टरी दे विच है कि इन्नी कदी आर्मी ने हथियार नहीं सी सरेंडर नहीं सी कीता जिस वेले उन्होंने पाकिस्तानी ने सरेंडर किया और हिंदुस्तान के किस्म के लम्मे पै गए थे तो अज उन्हों का दिन मना रहे और मैं बड़ा माण महसूस कर रहा कि मैनू इतने आ के उस धरती से जिते 71 दे अज 50 साल हो गया उस लड़ाई हुई नूं तो उन्हों असी याद कर रहे उन्होंने परिवारों को मिले उन्होंने रिश्तेदार जिहड़े इत्थे पहुँचे ने उन्होंने कई एक बजुर्ग माता सी उहदियां अखां च हंझू भी आए ने कि मैं जे किवें उहदे परिवार दी उन्हां यादां जिहड़ियां पुरानियां ने तो ये जिहड़ियां चीज़ां ने सानू सारयां जो नैशनल कोई दिन आता वो सब कुछ भुल के एक पवित्र जिस तरह अपना धार्मिक दिन असं मनाने सानू योजे अपने धार्मिक तौर पर यह दिन मनाने चाहिए नहीं कि बटाले ची अज दो मौत अज ही हो गई ने बड़ा जड़ा नवा जड़ा कोरोना जड़ा नवा सैकेंड फेज नहीं मैं कहना इमीजिएटली इन्ने जे आ गए ने तो सानू ये तो सारे ध्यान रखना चाहिए ठीक है असं इंजैक्शन भी लवाए ने पर फिर भी जेडे मास्क जोड़ा वा यदा तो आप बिल्कुल ही भुल गए कि कभी बीमारी आई भी सी तो मैं डीसी साहब ने कहा कि थोड़ी सख्ताई करिए लोग नरमाई में बिल्कुल नहीं समझते विवाहों के इन्हें इकट्ठ होने शुरू हो गए हैं और जेडे असं भी जेडे पोलीटिकल बंदे हैं असं भी अपने जलसे जुलूस करके बेशक भावें बाद च आप भी पॉजिटिव आ जाने सानू भी थोड़ी जी लोगों की दे अपना मुफाल छड़िए कि साड़ियाँ इलैक्शन आ रही असं कुछ करना जे लोग जींदा रहेंगे तो असं इलैक्शन लड़ने तो जे इस तरह बीमारी बढ़ती रही इन चीज़ों पर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में कहूँगा कि थोड़ी सख्ताई करनी चाहिए और इमीजिएटली जिते सख्त कदम चुकने हैं उत्थे सानू चुकने पे वेखो जिते उन्होंने अपने वालों सन्मानित किया उत्थे असीं पंजाब गवर्नमेंट वालों कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट वालों मार्कफेड और मिल्कफेड वालों उन्होंने जोड़े ने तोहफे जोड़े ने उन्होंने दिते ने और जिदा कई ने कहा कि साड़िया पेंशन जो जाके गल करा क्योंकि जी इतने पेंशन होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होंगी है
तो इन्हों के डी सी साहब ने उन्होंने एड्रैस वगैरह लिख ले कि पिंडा ने उन्हों की गल जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अज जी मीटिंग है हूँ एजेंडा मैं भी नहीं पता कि वो बाद मेरे ख्याल कोविड से ज़्यादा होएगी मीटिंग तो वे जे आएगी तो सी एम साहब तो आप आर्मी मैन उन्होंने जरूर गल करनी है तो जाके जी इन मैं भी देखिया जी मुश्किल ने उन्होंने जाके इमीजिएटली कि उत्थे साले ने जीजे दे अगेंस्ट खड़ो गया तो बहुते दिन दूर ने जो ये दूजा साला इस जीजे के अगेंस्ट खड़ा होगा तो बाद थोड़े जे जो इलैक्शन नेड़े आएगी और जीजे साले जी इन लड़ाइया चलनगे पंजाब वाले देखेंगे वाकई मैं बदकिस्मती का मैं कहना पै रहा कि जिस वे असैम्बली भी गल चली सी तो उस वे जो बिक्रम मजीठिया का जवाब से बड़ा शर्म वाला से उन्होंने जो गल की कि ये बारे वो कहना उन्होंने भी भैन बैठी आ अपने मनप्रीत बादल की उन्होंने भी भैन यदा मतलब इन्ने बिक्रम मजीठिए ने यह खत्म कर दिता कि जी सुखबीर की साड़ी भैन आ सिर्फ वो मनप्रीत दी आ योजा जवाब देना इतने यदा मतलब कि ये दिल से पहला से देखो वड्डे बादल साहब बड़े सियाने ने ते आदेश प्रताप वर्गा बड़ा सुलझा और मैं तो कहना उन्हें गलती बहुत वड्डी की कि अकाली दल चो जाना नहीं चाहिए जो वो दादे का नाँ जो वो दादे का रुतबा जो कैरो परिवार का जी पूरी वर्ल्ड के नाम आते सरदार प्रताप सिंह कैरो जी अज पंजाब का नाम आ जी एग्रीकल्चर ग्रीन रेवोल्यूशन वाइट रेवोल्यूशन या पंजाब की तरक्की दे इंडस्ट्री जे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो लैके आते सरदार प्रताप सिंह कैरो लैके आए ये परिवार को कुछ भी ना मिलता तो इन्हों लोगों ने पूजना से अज ये बिक्रम वर्गों को विरसे बटोए जेडे क्रिमिनल बंद को आदेश प्रताप होने अपने इंसल्ट करवा रहे मैं कहना बहुत मंदभागी बिक्रम मजीठिए तकलीफ तकलीफ यह हो रही है कि गैंगस्टर असी कंट्रोल क्यों कर लेने मैं उन्होंने दस देना चाहना कि वो टाइम हूँ का टाइम जेडे ने असी अपने गैंगस्टर कंट्रोल किया और बिक्रम हूँ यह तकलीफ है कि जेडे वो वर्कर से गैंगस्टर उन्होंने नथ क्यों पाई जा रही है उन्होंने एक्सट्रॉशन लिए खुला क्यों नहीं छड़िया जा रहा उन्होंने गुंडागर्दी क्यों बंद कर दी एक गल मैं तुम्हें दसनी चाहना कि ठीक है मेरी मेरे तो मैनू ही खतरा मेरे तो जो गैंगस्टर जेडे जे आप टेररिस्ट या रेडिकल जिन्हें कही वो कोई एम सगा उन्होंने तो जेडे ये गैंगस्टर होंगे ये एमलैस होंगे इन्ह का काम होंगे लुटना और अनारकी फैलाने असी जी बठिंडा जेल है इनू डेड जोन बनाता सारे ये जिन्हें ये बिक्रम मजीठिए के दोस्त ने जिन्हें इन्ना ये हर रोज़ ही बोलता वो सारे जे मित्र ने एक जेल च बंद करके उत्थे पूरी सिक्योरिटी करके पूरी सिक्योरिटी रखा और इन्ह गुंडियां नथ पावे तुम दस देनी चाहना कि बड़ी डी सी साहब ज बाकियों पता जी जेल होंगी है ये जेल के ना असी अपनी मर्जी ना बंदा लै सकते जुडिशियल रिमांड होए तो जेल च बंदा एंटर कर सकता ये तुहानू मैं जरा दसदा जो वो बिना मतलब तो यह जरा बोली जाता जिन्हें परिवार खेरू खेरू कर दिता जिस बंद ने आके पहला चाचे का मुंडा बहर कढ़िया मनप्रीत बहर कढ़िया तो हूँ आके उन्होंने परिवार के भैन भरा लड़ा दिता बड़ी बदकिस्म की गल है और मैं तुम्हें तो जे जुडिशियल रिमांड हो जेल के बंदा अंदर एंटर कर सकता तो जे वो कोर्ट उन्होंने ऑर्डर कर दी है तो जी कोर्ट है जो कहती है कि उन्होंने पाकिस्तान लैके जाओ जेल डिपार्टमेंट कभी नहीं रोक सकता जे बहुत रोक भी सकता होएगा तो 23 घंटे तो बाद कभी जेल डिपार्टमेंट अपनी दखलअंदाजी जे शाम को 6 बजे आया तो कह देंगे जी शाम हो गई है तो अगले 5 बजे तक उन्होंने रिलीज़ करना पड़ेगा तो मतलब 23 घंटे बंदा रिलीज़ होएगा इनू मैं दसना चाहता ये मेरा काम एक मिनट दस देना ये मेरा काम है सिर्फ सिक्योरिटी का जेल दे विच रख रखाव का जेल दे विच देखना कि उन्होंने रोटी पानी चंगा कैदियों मिलता कि नहीं ये तुसी जिहड़ा सवाल पुछोगे होम मिनिस्टर साहब नूं कैप्टन साहब का सवाल बनता ये मेरा सवाल नहीं बनता जिहड़ा किसे नूं पेश करना वो पंजाब पुलिस लैके जाती है असी सिर्फ गेट तक उन्होंने नाम लिखते हैं तो कि बंदे लैन आए उन्होंने हैंडकोट करने जेल तो बाहर मेरा कोई किसी गुंडे बदमाश नाल बिक्रम नाल कोई रिलेशन नवजोत सिंह सिद्धू अज चाह